जी, तो ब्रशेस हम देख रहे थे, मैं आपको बता रहा था कि ब्रशेस की बहुत सारे टाइप्स मौजूद हैं यहाँ पे। आप यहाँ राइट क्लिक करें और ये फोल्डर्स आपके पास यहाँ पे शो हो रहे होंगे। अगर फोल्डर्स नहीं आ रहे तो इसी तरह से शो हो रहे होंगे। हो सकता है पुराने वर्जन में ये फोल्डर्स भी सारे आपको ना शो, मतलब जो ब्रशेस की टाइप्स हैं वो सारी ना शो हो रही हो, क्योंकि नए वर्जन में ज़ाहिर है कि अपडेट हुए हुए हैं, तो पुराने में ये वाले हो सकता है ना हो। तो ये डिफरेंट टाइप के ब्रशेज हैं, आप इनको डाउनलोड करें, सॉरी इसके अंदर मौजूद हैं, आप इन्हें यूज़ करके देखें। देखिए थोड़ा सा पैटर्न इसमें बड़ा हो गया हमारे पास, पहले वाले में ज़रा छोटा था। तो ये देखें, तो मेरा ख्याल है आप बहुत हो गया, काफ़ी सारे ब्रशेज हमने ट्राई करके देख लिए हैं। आप लोग इन सबको यूज़ कर सकते हो, जो आपका दिल करता है, जो आपको अच्छा लगता है और जिस पर्पज़ के लिए आप यूज़ करना चाह रहे हैं आप उसे कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, एक और जगह पे भी इसका बड़ा मज़े का ब्रशेज इसमें हमें मिल सकते हैं, और कहाँ यूज़ हो सकता है वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। मैं पहले तो जी उन्होंने अब रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी है, तो अब इसमें ब्रशेज इंपोर्ट भी कर लेते हैं, कुछ नए ब्रशेज डाउनलोड करते हैं और देखते हैं कि मैं ज़रा ब्राउज़र पे चलते हैं और यहाँ से एक वेबसाइट है ब्रशेज के नाम से, brushesy.com, आपने इस पे जाना है। और शीट साइज राइट साइड पे कैसे बढ़ाया, वो मैंने सिंपल क्रॉप किया था यार। अच्छा, तो अब यहाँ पे जिस टाइप के ब्रशेज आपको चाहिए वो आपने यहाँ पे लिख देना। अब लेट्स सपोज मुझे चाहिए, मैं ग्रास लिख देता हूँ, ठीक है। तो ग्रास मैंने लिखा, उससे रिलेटेड कुछ ब्रशेज मेरे पास आ जाएंगे, कुछ पेड हैं कुछ फ्री हैं, तो जो आपको अच्छा लगता है फ्री वाला वो आप डाउनलोड कर लें। आप देखें ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, इसको मैं डाउनलोड करता हूँ। ये देखिए ये ग्रास वाला है, इसको फ्री डाउनलोड पर क्लिक करें। अभी ये डाउनलोडिंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद ये जिप फाइल डाउनलोड होती है। मैं हर बार आपको बताता हूँ, जब भी हम इस तरह का कुछ भी डाउनलोड करते हैं तो वो एक जिप फाइल डाउनलोड हो रही होती है, उसको आपने अनजिप करना होता है यूजिंग विनरार, जो सॉफ्टवेयर एक छोटा सा है वो उसको यूज़ करते हुए आपने इसको अनजिप करना होता है। ये डाउनलोड होगी, इसे मैं शो इन फोल्डर कर रहा हूँ। और अच्छा, इसका मेरा ख्याल है एक हम अलग से फोल्डर बनाते हैं ब्रशेस के नाम से, वहाँ पे इन ब्रशेस को सेव करते रहते हैं। और इसको मैं ले आता हूँ इधर इसके अंदर, अब यहाँ से इसको मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ इधर ही। ये देखिए ये ब्रशेस पड़े हैं हमारे पास, अब मैं इनको इंपोर्ट करूँगा फोटोशॉप में। फोटोशॉप ओपन कर लेते हैं, यहाँ राइट ब्रश हो सेलेक्ट कर लेना ब्रश, उसके बाद राइट क्लिक करना है, यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करना है और आपके पास इंपोर्ट ब्रशेस का बटन है, इस पर क्लिक करें। अब आ जाइए ब्रशेज में, ये जो अभी मैंने एक फाइल एक्सपोर्ट सॉरी अनजिप की थी, इसको आप लोड कर दें। तो ब्रास फोटोशॉप ब्रशेज 3 इसका नाम है, ये लोड मैंने कर दिया। ठीक है जी, अब आप देखें ये फोल्डर्स जो हमने ओपन किए थे इनको मैं ज़रा बंद कर देता हूँ, ताकि ये देखिए ग्रास फोटोशॉप 3 के नाम से हमारे पास फोल्डर आ गए। इसे मैं ओपन कर लेता हूँ थोड़ा सा, ज़रा इसके थंबनेल ये देखिए। अब काफ़ी सारे टाइप्स के ब्रशेज इसमें भी मौजूद हैं, हम सबसे पहला ट्राई कर लेते हैं बस। इसको मैंने सेलेक्ट किया और ये देखिए ग्रीन कर लेते हैं, क्योंकि ग्रास जो है वो ग्रीन होता है। अब मैं इसको यहाँ पे देखिए पेंट कर रहा हूँ, तो देखिए एक क्लिक जस्ट मैंने किया और बड़ा नेचुरल सा और बड़ा कमाल का ग्रास इफेक्ट उसने हमें बना के दे दिया। ठीक है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। मैं इसका ज़रा एंगल चेंज करता हूँ, ऐसे अभी उलट हो गया, ये देखिए इस तरह से। वैसे इस तरह बनता नहीं था, मैंने एंगल चेंज समझाने के लिए आपको बताया, एंगल मैंने चेंज किया तो देखिए ये यहाँ पे आ गया। समटाइम ऐसा होता है कि कोई इमेज का बैकग्राउंड हम रिमूव कर रहे हैं और उसमें इस तरह से कोई ग्रास भी मौजूद है और वो ग्रास कट हो गई और आप चाह रहे हैं कि नेचुरल सा ग्रास आपके पास यहाँ पे उसका इफेक्ट आ जाए, तो फिर इस तरह से आप ब्रशेज, बहुत सारी टाइप्स के ब्रशेज आपको मिल जाएंगे, फ्री में मिल जाएंगे, ग्रास के लिए मिल जाएंगे। उसके अलावा समटाइम ऐसा होता है, मैं एक ऑर्डर मेरे पास आया था, उसमें ये था कि एक बोट थी, बोट का एक तो मैंने कलर चेंज करना था और दूसरा उसे एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रखना था। अब बोट जो पानी पे ऊपर ना उसमें रन कर रही है, तो उससे थोड़ा सा ऐसा होता है कि पानी आपने देखा होगा उसके साइड से स्प्लैश कर रहा होता है पानी ना उसके, वो बहुत ज़्यादा मतलब जी बिल्कुल हाँ स्प्लैश कर रहा होता है, तो वो उस तरह का इफेक्ट मुझे चाहिए था। वो अगर मैं बैकग्राउंड रिमूव करके या सेलेक्ट करके लेके आऊँ तो वो मेरा पॉसिबल नहीं था। उसके लिए फिर हमने इसी तरह से मैंने ब्रशेज डाउनलोड किए और वो ब्रशेज यूज़ कर लिए। इस तरह के ब्रशेज भी आपको मिल जाएंगे, ये देखिए हम वेबसाइट पे हम आते हैं और इधर सर्च कर लेते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ वाटर स्प्लैश, सर्च करके देख लेते हैं। मेरा ब्राउज़र आपको नज़र आ रहा है ना,
तो ये डिफरेंट टाइप के ब्रशेज हैं, वाटर वाले भी आप इनमें से भी देखें, बबल्स भी हैं, बबल्स आपको चाहिए, मुझे इस तरह का स्प्लैश चाहिए था ये वाला, तो ये इस तरह का ब्रश मैंने डाउनलोड किया था उसको इजीली यूज़ करके। वैसे अगर मैनुअली ये करने बैठ जाए तो हमें घंटों लग जाते हैं, और यहाँ जस्ट एक वन क्लिक करना होता है और हमारा काम हो जाता है। तो ब्रशेज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल है आपके पास, और बड़ी मज़े मज़े की अच्छी अच्छी चीज़ें आप इसे बना सकते हैं। ये मैं डाउनलोड कर ही लेता हूँ, चला ये वाला देख लेते हैं, इसको डाउनलोड करते हैं। अच्छा, हमें ये ज्वाइन करना पड़ेगा। ईमेल से लॉगिन करना पड़ेगा तो बाद में कर लेंगे। चलें, बस अब ये मैंने आपको बता दिया, आप यहाँ पे ब्रशेज़ ही एक वेबसाइट है, यहाँ से आप ब्रशेज़ भी डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप होम पेज पे जाएंगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। वीडियो फ्री डाउनलोड कर सकते हो आप, वैक्टर्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे यहाँ पे, वैक्टर्स की भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही होती है। लाइक आइकन आपको चाहिए हो या कुछ भी, किसी भी तरह की कोई भी वैक्टर चीज़ें आपको चाहिए वो आपको यहाँ से फ्री में मिल जाएंगी। मैं ज़रा इसको जल्दी से साइन अप कर ही लेता हूँ यार। जॉब डिज़ाइन प्रोफेशनल, ये देखिए यहाँ से काफ़ी सारे वेक्टर डिज़ाइन आ गए, और ये बिल्कुल फ्री होते हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल्स पे एडिट कर लें इनमें। समटाइम ऐसा होता है हमें कुछ बैकग्राउंड अच्छा सा चाहिए होता है, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। ये देखिए इस तरह से, तो आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ब्रशेज़ की आई होप आपको समझ आ गई है। इसी तरह इससे मिलती जुलती एक और चीज़ है हमारे पास, ये ब्रश तो ये मैंने यूज़ कर ली है। अच्छा, ब्रश के अंदर और भी कुछ चीज़ें हैं, पेंसिल ब्रश है, कलर रिप्लेसमेंट ब्रश है, और मिक्सर ब्रश है। अभी ये जो कलर रिप्लेसमेंट और मिक्सर ब्रश टूल है ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, अभी के लिए, क्योंकि ये जब हम कलर चेंज वगैरह पढ़ेंगे ना तो तब मैं आपको बताऊंगा कि इसको आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो। और मिक्सर ब्रश टूल भी इंशाल्लाह करेंगे, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है और काम आने वाली चीज़ है। तो ये हो गया, मतलब पेंसिल ब्रश टूल सिंपल ब्रश है, इस तरह से आप पेंसिल की तरह लाइन आप लगा सकते हैं। अभी ग्रास वाला ब्रश मैंने सेलेक्ट किया हुआ, तो वो देखिए वही वाला इफेक्ट आपके पास इसमें भी आ रहा है। तो मैं नॉर्मल ब्रश अपना पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्लिक करें और यहाँ पे आ जाएं जनरल ब्रशेस पे, और यहाँ से जनरल ब्रश आप अपना सेलेक्ट कर लें। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये पेंसिल ब्रश है आपका, और इस तरह से वाइट कलर सेलेक्ट है, तो मैं ग्रीन सेलेक्ट करके, ये देखिए पेंसिल ब्रश इस तरह से नॉर्मल सा एक मतलब आपको लाइन लगा के देगा। मैं अगर इस तरह से साइन भी कोई करना चाह रहा हूँ तो वो भी हम कर सकते हैं यूजिंग पेंसिल ब्रश टूल। ठीक है, अलग लेयर पे बना लेंगे ताकि बाद में फिर उसको एडिट भी कर सकें। मैं अलग से बहुत लिखना चाह रहा हूँ क्रिएटिव, तो नहीं ऐसा नहीं माउस से अच्छा लिखा नहीं जाएगा आई नो। चले खैर, बस ठीक है, आपको समझ आ गई है। तो ये कुछ ब्रशेस थे, इम्पोर्ट करें अच्छे अच्छे ब्रशेस, उनको यूज़ करें, बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़ा मज़ा आएगा काम करने का ब्रशेस के साथ। ठीक है जी, अच्छा अभी ब्रशेस तो हमने यहाँ तक ही रखने हैं, अब मैं आ जाता हूँ आपको यहाँ पे, हम देखते हैं स्पॉट हीलिंग और हीलिंग ब्रश टूल। स्पॉट हीलिंग मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा, आज मैं आपको बता दूंगा स्पॉट हीलिंग और ये हीलिंग ब्रश टूल करना है हमने। कंटेंट अवेयर भी इंशाल्लाह कोशिश करते हैं आज ही कर लेते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास काफ़ी है अभी। तो एक मैं ज़रा ये स्क्रीन स्टॉप करके दोबारा शेयर करना चाह रहा हूँ, ताकि एक फुल स्क्रीन मोड भी बंद हो रहा है। ठीक है जी, अच्छा पहले तो कोई एक इमेजेस में यहाँ पे ओपन कर लूँ ताकि हम ये यूज़ कर सकें हीलिंग ब्रश टूल, और कोई और इमेज मैं डाउनलोड करता हूँ इसके लिए। पुरानी भी चाहिए होगी, नॉट स्क्रैच,
आज खुली हो रही नहीं, देखता मैं पुराने जिस पे हम काम करेंगे। ये अच्छी है। चलो ये इमेज ओपन करो, ये आ गई। अच्छा कल हमने देखा था स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, हीलिंग सॉरी क्रैश टूल, और ये तो हम पहले ऑलरेडी कर। अच्छा मैं थोड़ा सा पहले स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल आपको बता दूँ। सिंपल क्या करता है, पहले डुप्लीकेट कर लेते हैं लेयर को, इस तरह से जस्ट क्लिक करते जाएंगे आप और ये कलर को रिप्लेस करता जाएगा। जो इस तरह के फिक्सेज आप करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा आज थोड़ा सा मैं आपको बताने वाला हूँ हमारे हीलिंग ब्रश टूल के बारे में। ये हीलिंग ब्रश टूल मैंने यूज़ किया, सेलेक्ट कर लिया। अच्छा इसका फंक्शन थोड़ा सा हीलिंग ब्रश टूल, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट है। इसमें क्या होता है, इसको पहले मतलब मैं अगर लेट्स सपोज यहाँ से लाइन ख़त्म करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे पहले इसको एक सोर्स देना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सी चीज़ पेस्ट करनी है, ठीक है। तो वो क्या कैसे होगी, सोर्स इसको किस तरह से देना है। पहले स्पॉट हीलिंग में क्या होता था, आप सिंपल इस तरह से ड्रैग करते थे क्लिक करके, तो वो आसपास के कलर खुद ही उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देता था। अब हमारी मर्जी है, हम फोटोशॉप को बता सकते हैं कि भाई यहाँ से उठा के कलर इधर पेस्ट करना है। आप में से बहुत सारे लोगों को अगर क्लोन स्टैम्प टूल के बारे में पता है, तो ये क्लोन स्टैम्प टूल और हीलिंग ब्रश टूल ऑलमोस्ट सेम इनकी फंक्शनलिटी है दोनों की, ठीक है। अच्छा मैं क्या करता हूँ, अब देखिए मुझे इसको पहले सोर्स देना पड़ना है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक न्यू लेयर इसके ऊपर ही क्रिएट कर लेता हूँ। वैसे तो इसी लेयर पे भी हम काम कर सकते हैं, लेकिन एक ब्लैक लेयर पे मैं आपको काम करके दिखाना चाह रहा हूँ कि इसको हम यूज करते हैं किस तरह से काम कर सकते हैं। यहाँ से आपने क्या करना है, एक न्यू लेयर बना लिया, उसके बाद आपने यहाँ से सैंपल जो लिखा है इसको आपने ऑल लेयर्स कर देना है। सैंपल ऑल लेयर चेक दो जब आप इस तरह न्यू लेयर बना के काम करें, अगर आप उसी लेयर पे काम करें तब करंट लेयर भी चल जाएगा, लेकिन मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा आप इस तरह से अलग एक लेयर बना लें और यहाँ से सैंपल ऑल लेयर चेक कर दें। उससे क्या होगा, आपके पास पूरा कंट्रोल है, अलग से एक लेयर आपके पास यूं बन के आ जाएगी, उसको आप किसी भी तरह एडिट कर सकते हो जब भी आप एडिट करना चाह रहे हैं। अच्छा देखिए मैं अब यहाँ पे स्पॉट हीलिंग सॉरी हीलिंग ब्रश टूल मैंने सेलेक्ट कर लिया है, और मैं अगर इसको इसी तरह से पेंट करूंगा तो मुझे एरर देगा, नहीं मैं पेंट कर सकता। मुझे पहले वो कहता है कि एक सोर्स को बताएं जो इस जगह पे पेस्ट करना है। तो सोर्स लेने के लिए हम क्या करेंगे, हमने ऑल्ट का बटन प्रेस करना है। ऑल्ट का बटन जैसे आप प्रेस करेंगे आप देखेंगे आपका कर्सर जो है वो चेंज हुआ थोड़ा सा। ऑल्ट का बटन प्रेस करके इस तरह से एक बार क्लिक कर दें, अब देखिए सोर्स आपका ये देखिए आपको नजर आ रहा होगा, ब्रश के अंदर कलर आपको नजर आ रहा है, सोर्स आपके पास आ गया। अब सिंपली आपने इस तरह से पेंट करते जाना है, ठीक है। तो जहाँ पे वो जो प्लस का निशान ब्रश के साथ साथ आपको नजर आ रहा है वो चीज़ आपकी इस जगह पे पेस्ट हो जाएगी। दोबारा सोर्स में चेंज कर देता हूँ, यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है। इस तरह से सोर्स आप चेंज करते जाएँ, ऑल्ट का बटन प्रेस करें, सोर्स पे क्लिक कर दें, उसके बाद आके सिंपल पेस्ट करते जाएँ। इस तरह से क्लिक करके आप इस तरह से इसके ऊपर आके पेंट कर देंगे। अब देखिए मैं अपना सोर्स 4-5 बार चेंज किया, अगर एक ही सोर्स लेके हम काम करते जाएंगे, लग सपोज मैं यही वाला सोर्स लेता हूँ और इसी से काम करता जाता हूँ इस तरह से, तो ये देखिए खराब हो रही है हमारी। तो सोर्स आपने हमेशा चेंज करते रहना, ठीक। मैं आप देखिए दोबारा यहाँ से सोर्स ले लेता हूँ, इधर का थोड़ा सा पेस्ट कर देते हैं, इधर थोड़ा सा वाइट नजर आ रहा है ज्यादा। तो ऑल्ट प्रेस करना है, क्लिक कर देना, आपका सोर्स न्यू आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मैं ऑल्ट प्रेस करके क्लिक किया और इस जगह पे पेस्ट कर देता, ठीक है। इसी तरह यहाँ और बस करके क्लिक करो इस तरह से पेस्ट कर दें, तो ये आपका हीलिंग ब्रश टूल आपको इस तरह से काम कर रहा था। देखिए इसको लाइन को मैंने ख़त्म करना है, तो ये जो जगह है पहले मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, तो यही वाला एरिया उठा के मैं इधर पेस्ट कर दूंगा लाइन के ऊपर, तो इजीली हमारा ये लाइन भी रिमूव हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब सिंपल यहाँ से सोर्स लेता हूँ और इस तरह से आके इस पर ब्रश करता जा रहा हूँ मैं, तो ये हमारी लाइन आप देख रहे हैं कि ख़त्म होती जा रही है, ठीक है जी। अब अगर हम इसको कंपेयर करें, ये देखेंगे आपके अब ये एक अलग लेयर बन गई है। इसको मैं दोनों लेयर को हाइड करता हूँ, तो ये देखिए ये हमारा हीलिंग ब्रश टूल से एक अलग लेयर से भी कलर पेंट कर दिया, और वो कलर के साथ मिलता जुलता बिल्कुल था। अब यहाँ पता नहीं चल रहा कि हम इसको अलग से पेंट किया। अब इसको मैं हाइड कर सकता हूँ, अनहाइड कर सकता हूँ, इवन कि इसको मैं मूव टूल से मूव भी करवा सकता हूँ, कहीं पर भी ये देखिए मूव करवाना चाहे, वैसे इसकी जरूरत नहीं होती है, लेकिन ये अलग लेयर है तो आप इसको जो मर्जी कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है जी। इसी तरह दोबारा मैं सेलेक्ट करता हूँ जे, इसकी शॉर्ट की होती है, जे मैंने प्रेस किया, हीलिंग ब्रश टूल आया, और यहाँ से थोड़ा सा पैटर्न रिपीट हो रहा है, इसी बात का ख्याल रखना है। देखिए पहले इस तरह से था, ये दोनों चीज़ें ऐसा लग रहा है कि रिपीट हो रही है, तो मैं इनको थोड़ा सा ब्लेंड कर देता हूँ ताकि ऐसा ना लगे कि ये रिपीट हो रही है और नेचुरल लगेगा, ठीक है। ये देखिए आप ठीक हो गया। इसी तरह थोड़ा सा यहाँ पे इशूज है, इनको फिक्स कर लेते हैं।
अच्छा आप देखिए, कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि यही काम हम बैच टूल से भी कर सकते थे, यही काम हम ट्रेनिंग बैच टूल है उससे भी कर सकते थे। तो भाई पूरा कंट्रोल है आपके पास, पूरी आपकी मर्जी है जो टूल आपको अच्छा यूज करना आता है। और यही काम हम एक और भी टूल है क्लोन स्टैम्प टूल, उससे भी ये काम कर सकते हैं। तो जिसको जो ठीक लगता है, जो कन्वीनियंट टू यूज लगता है, आप वो वाला यूज करें, ठीक है। ये बिल्कुल भी हार्ड एंड फास्ट टूल कोई नहीं है, क्योंकि आपने सिंपल अगर क्लोन स्टैम्प टूल है तो वही यूज करना है, या अगर आपके पास पॉट हीलिंग है तो वही यूज करना है। जो टूल आपको ईजी लगता है वही यूज, ठीक है। देखिए इधर आने, इसकी यहाँ पे स्क्रीन पे भी हम अभी आके इसको सेट करते हैं। जरा पहले थोड़ा सा मैं आपको टूल की वर्किंग समझा दूँ, ताकि फिर वहाँ पे जल्दी जल्दी फेस पे काम करते रहिए। मैं बार बार सोर्स चेंज कर रहा हूँ, ऑल प्रेस करके क्लिक करता हूँ, उसके बाद वो सोर्स अपना वहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। देखिए यहाँ ऑल प्रेस करके क्लिक किया, और उसके बाद में यहाँ पे वो पेस्ट कर देता हूँ। ये लाइन भी हमारी यहाँ से भी खत्म हो चुकी है। इस तरह ऊपर भी हमें कलर चेंज करना है, तो इधर आएंगे और ब्रश करते जाएंगे तो ये आपका ठीक हो जाएगा। इसमें आपका जो ये स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल था, उसमें सिंपल क्या होता था, आपका क्लिक माउस यूज हो रहा था बस, और आप हैंड टूल यूज करते थे। यहाँ आपका ऑल्ट का बटन भी यूज हो रहा है बार बार सोर्स चेंज करने के लिए, और सोर्स आपको बार बार चेंज करना पड़ेगा लाजमी, क्योंकि अब अगर यहाँ से उठा के कोई चीज़ मैं इधर पेस्ट करूंगा तो वो अलग से ही नजर आएगी आपके, ठीक। लेकिन स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल किसी हद तक उसको भी ब्लेंड कर रहा होता है। देखिए अगर मैं यहाँ से कलर लेता हूँ ये वाला, और इस जगह पे मैं पेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो आपको नजर आएगा कि काफी हद तक ये इसको ब्लेंड करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जाहिर है फिर वो बिल्कुल ठीक नहीं होता। अच्छा तो ये शायद मैंने ठीक कर लिया जी, शायद इकबाल ने हैंडल किया हुआ है, शायद इकबाल ने। ये देखिए बिफोर अभी आपको जी, शायद इकबाल सर, ये अगर फोटो के ऊपर इमोजी लगा हुआ हो तो क्या वो इस तरह रिमूव हम कर सकते हैं या सिर्फ यही इतनी सेटिंग कर सकते हैं? क्या लगा हुआ हो? इमोजी वो नहीं, बाज़ फेसबुक पे जो फोटो वगैरह होते तो उसके ऊपर वो लगा लेते हैं हम। नहीं, अगर तो फेस के ऊपर है तो फिर तो कैसे रिमूव करोगे? इस तरह नहीं ना आप रिमूव कर सकते, जब तक आपको पता नहीं है कि भाई वो फेस है, क्या था कैसा था, इस तरह से रिमूव नहीं होता। रिमूव सही सही, हो जाएगा, ठीक ठीक इमोजी चल ठीक हो होगा सर, जाएगा, थैंक लेकिन यू। आपको पता है, आप देखे ना यहाँ पे जो ये वाली फोटो है, इसकी थोड़ी सी आई में यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है। मुझे पता है कि यार इसके नीचे स्किन हो रही है, और यहाँ से आसपास मेरे पास में स्किन का सैंपल भी मौजूद है, तो मैं वो तो नीचे उठा के वही वाली स्किन यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो इमोजीज तो इस तरह होगा कि पूरा का पूरा फेस ही हाइड हो जाएगा, तो किस तरह से आप उसको काम करेंगे? चल ठीक है, बस ठीक होगा सर जी। जी ठीक है, अपना माइक म्यूट कर लिया। अच्छा ठीक है जी, तो यहाँ पे अब हम आ जाते हैं, इस पे भी मैं ये यूज करने लगा हूँ। यहाँ से सैंपल लिया, और इस जगह पे मैं सोर्स लेके पेस्ट करना स्टार्ट कर रहा हूँ। ये देखो थोड़ा यहाँ पे आ गया, आपको ब्रश का साइज छोटा कर लेना है, और एहतियात से काम कर लेना, क्योंकि अब ये जो इसकी शेप है, ये अगर खराब हो गई तो फिर जाहिर है लगेगी बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पे हमें कोई और टूल यूज करना पड़ेगा, क्लोन स्टैम्प टूल यहाँ पे सही काम करेगा वैसे, लेकिन स्पॉट हीलिंग भी चेक करके देख लेते हैं, अगर बात नहीं क्लोन स्टैम्प टूल ही यहाँ पे सही काम करेगा वो बात कर सकते हैं। तरह से अभी के लिए इसी तरह काम चला लें फिलहाल, थोड़ा सा मैं इसको भी सेट करता हूँ। कलर सोर्स ले लेना है, उसके बाद पेस्ट करना है, और पेस्ट करते हुए ख्याल रखना है कि आपकी उसके पोस्चर जो है वो ख़राब ना हो, जब खासतौर पर जब आप इस तरह के इमेज पे काम करें जिसमें ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है इस चीज़ का। एक मिनट ज़रा, अच्छा जी, अच्छा अब देखें ये लाइन भी रिमूव करनी है, तो इस तरह से मैंने सोर्स लिया और इसको पेस्ट कर दिया। यार मैसेजेस ना क्या करें ड्यूरिंग लेक्चर, अब आपका एक दो का मैसेज आया, मैंने रिप्लाई तो किया, लेकिन वो फिर रुकना पड़ता है, रिकॉर्डिंग हो रही होती है ना, वो बाद में जब आप रिकॉर्डिंग देखोगे, अभी तो लग जाता है आपको तो मैसेज आया, बाद में जब देखना तो बंदा थोड़ा सा इरिटेट हो रहा था कि यार ये बार बार क्यों हो रहा है। तो
ड्यूरिंग लेक्चर थोड़ा सा जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बस वो मैंसिव कर लिया सर, थोड़ा सा वर्ड क्या, क्योंकि मुझे लगता है कि आप पता नहीं बच्चे क्या कह रहे हैं, तो मैं फिर वो मैसेज देखने लग जाता हूँ। इंग्लिश की क्वालिटी अच्छी नहीं। अच्छा, सम टाइम आपके पास ऑर्डर ऐसे आ रहे होते हैं, मैंने बहुत सारे ऑर्डर ऐसे किए हैं इंग्लिश पे वाटर मार्क लगा हुआ होता है, तो वो फिर क्लाइंट्स रिमूव करवाना चाह रहे होते हैं, तो वो फिर आप इसी तरह कर सकते हो। आप उसमें स्पॉन्सिंग ब्रश टूल, हीलिंग ब्रश टूल और उसके अलावा क्लोन स्टैम्प टूल यूज़ कर सकते हैं। देखिए, अब ये बिफोर ये आफ्टर, ठीक है, ये अभी यहाँ पे और फिक्सेस होने वाले हैं अभी, तो मुझे बार बार मैं बता रहा हूँ मुझे यहाँ पे क्लोन स्टैम्प टूल ही यूज़ करना पड़ना है इसको ठीक करने के लिए, तो वो अभी पढ़ा नहीं है, तो इसी तरह बता रहा होगा, ठीक है जी। तो इसको अब सारी को सेट करेंगे तो मैं थोड़ा टाइम लगेगा ना मेरा। ठीक है जी, इसको भी सेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे चले, मैं सोर्स बिल्कुल पास से मैं ले रहा था ताकि कलर का डिफरेंस कम से कम आए और नेचुरल लगे मुझे। अब यहाँ देखिए खराब हो गई है, हालांकि जो यहाँ पे एक आपको नजर आ रहा होगी शेप आ रही थी, वो शेप इधर खराब हो गया। अब देखिए आपकी इमेज बहुत ज्यादा बुरी लग रही है, तो इसको ठीक करने के लिए फिर हमें जाहिर है तो मुझे कुछ और तो यूज करने पड़ने वो हमें पड़े नहीं है, तो फिर कह रहा हूँ कि इसी तरह काम चलाए या मैं इसको ठीक कर ही लेता हूँ यहाँ से थोड़ा सा ना। चलिए थोड़ा सा ठीक हो गया, अब बेहतर है पहले से, ठीक है जी। और इसके अलावा यहाँ पे भी काम करना पड़ेगा हमें बहुत सारा, ये देखिए बिफोर है या आफ्टर है, खाली यहीं पे रोक देते हैं इसको, बहुत है ये। सारी को ठीक करेंगे तो पूरी क्लास मेरा ख्याल है हमारी गुजर जानी है, इसी को ठीक करते करते। टूल की वर्किंग मैंने आपको समझा दिया किस तरह से इस पर काम करना है। अच्छा, क्या ख्याल है, इसको यहीं पे छोड़ दें या कंप्लीट करना है, बताएं क्या करें, नेक्स्ट टूल पढ़ लेते हैं अगर इसी को इधर ही छोड़ना है तो, अगर कंप्लीट करना है तो वो भी मैं करवा देता हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट बस आपने तो कह दिया नेक्स्ट, लेकिन मैं बाकी से पूछना चाह रहा हूँ, आपको तो माशाल्लाह आता है पहले से, बाकियों से पूछना चाह रहा हूँ बाकी क्या कहते हैं फिर देखते हैं। जारी रखें, वोट आया भी जारी रखें। ये देखिए ये काफ़ी हद तक ठीक हो गई है, थोड़ी सी रह गई मेरे ख्याल 10-15 मिनट लग जाएंगे हमारे, और इस पर कंप्लीट करें। चलिए ठीक है, इसको कंप्लीट करते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं 10-10 मिनट लग जाएंगे मुझे इसमें, तो इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, स्क्रीन बकास आप कह रहे हैं शेयर करनी है या थोड़ा सा रुक जाए, लेक्चर हम कंप्लीट कर लेना उसके बाद फिर आप स्क्रीन भी शेयर कर सकते हैं, कोई बात नहीं। चलिए, मीटिंग एंड होने में भी थोड़ा ही टाइम है, तो यार मेरा ख्याल है अभी इसी को लेकर चलते हैं, जब मीटिंग दोबारा स्टार्ट करेंगे मैं फिर नया टूल पढ़ लेंगे।
अब अगर मैं नया स्टार्ट भी करूंगा तो वो कंप्लीट तो नहीं होगा, मीटिंग फिर एंड हो जाएगी। इसी को कंटिन्यू करते हैं, मैं जल्दी जल्दी कोशिश करता हूँ इसको जरा थोड़ा सा इसकी शक्ल निकल आए। वैसे मेरा ख्याल कर भी लेनी चाहिए, क्योंकि बाद में फिर हमने फोटोशॉप की जब गिग्स बनानी है तो उसमें ये इमेज हमारी काम आ सकती है, क्योंकि बहुत मेहनत हमने इस पर कर ली है। तो बजाय इसके कि हम उस टाइम पर नई इमेजेस बनाएंगे तो इसी को ही हम वहाँ पे यूज़ कर लेंगे हमारे गिग्स के कवर पे। ठीक है, तो मेरा ख्याल है इसको कंप्लीट करना चाहिए, मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। बाद में जब इसको यूज़ करना होगा तब इसमें मज़ीद कुछ फिक्सेज होंगे तो वो हम ऑन टाइम कर लेंगे। मेरा ख्याल बोलने की मुझे साथ में जरूरत नहीं है, आपको पता चल रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ऑल्ट प्रेस करता हूँ, सोर्स लेता हूँ और क्लिक करके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ऑल्ट प्रेस किया, लेकिन ऑल्ट प्रेस किया क्लिक करके इस तरह से सोर्स लिया, वो पेस्ट कर दिया। यही काम मैंने पूरी इमेज को किया है जस्ट इन दो बटन के साथ। ये है क्या वैसे यहाँ पे ये वाला, और सारी डोगी बस थोड़ी सी रह गई है। ठीक है, यहाँ पे ब्रश का साइज थोड़ा सा मुझे छोटा रखना है, क्योंकि यहाँ अगर मैं बड़ा साइज रखूंगा ब्रश का तो इमेज के जो हमारे पोस्टर हैं वो खराब हो सकते हैं, और जूम इन करके वो अगर तेज में जहाँ पे काम कर रहे हैं इस तरह की जगह पे ताकि खराब ना हो। ये ठीक रह गई यार, इसको सही करना है। ये जो ग्रीन थोड़ा सा नज़र आ रहा है ना, शायद पेंट है या जो भी इसको गिरा हुआ है, वो बाद में ठीक कर लेते हैं इस तरह का। अभी जैसे जो वाइट वाइट नज़र आ रहा है, मेरा फोकस इसी पे है, इसको जरा मैं जल्दी में खत्म कर रहा। अच्छा, क्योंकि पैच टूल भी यहाँ पर थोड़ा सा यूज करके देखते हैं ताकि मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसको मैं इस तरह से सेलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। फिर वो मैंने अलग लेयर की भी इसलिए नहीं पाया। ठीक है, अभी वहाँ से चलो स्पॉट भी ले लेते हैं। ओके जी, ये नीचे वाले लेयर सेलेक्ट करनी पड़ेगी मैं। अब हम यूज करें स्पॉट इमेज, ऑलमोस्ट 90-90% हो गया।